Hey, what's up guys? Welcome back to another video. दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI की कुछ ऐसी थीम्स के बारे में जो iOS इंस्पायर्ड है, यानी कि आज हम बात करेंगे iOS बेस्ड MIUI थीम्स के बारे में। और आई थिंक ये पार्ट 3 या 4 है, तो फिर देखते हैं भाई आज आपके लिए मैं कौन सी तरह डिफरेंट स्टाइल की थीम्स लाया हूँ जो शायद आपका माइंड ब्लो करके रख देंगे। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे जाके वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाएं। दोस्तों 33,000 हो गए हैं और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बट अब जो गोल है वो है 35,000 का, तो जल्द से जल्द करा दो यार, दबा दो यार उस सब्सक्राइब वाले बटन को और घंटी को भी दबा के ऑल पे कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन ना मिले। हाँ, और एक और चीज़ हमको ये कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है जब मैं वीडियो डालता हूँ या नहीं, वो मेरे को जानना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ मेरे को बता देना, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे थीम्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके लिए iOS थीम्स लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे कोई भी थीम, इसमें आपको कोई भी थीम थर्ड पार्टी देखने को नहीं मिलती है, सारी की सारी नॉन थर्ड पार्टी थीम है और थीम स्टोर पे अवेलेबल हैं। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी थीम को ढूंढने में या फिर मतलब अप्लाई करने में, तो ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आज की थीम्स के बारे में, तो यहाँ से हम जाते हैं थीम्स के ऊपर एंड माई पेज थीम्स। तो दोस्तों जब आपको फर्स्ट iOS थीम देखने को मिल जाती है उसका नाम है iOS 13 पेन येट, एंड इस बार जो है पिछली बार से थोड़ी डिफरेंट टाइप की थीम्स लाया हूँ मैं iOS के ऊपर, मतलब क्योंकि भाई थीम्स को भी तो थोड़ा अपग्रेड होना ही पड़ता है ना, पुराने पुराने चीज़ें दोबारा रिपीट तो नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ी डिफरेंट टाइप कैसे अप्लाई करते हो देख लेते हैं आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ ये तो थीम है लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों सपोर्ट करती है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें नेविगेशन बटन, तो आपको अब एक बार देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल iOS वाला लगता है। आइकन्स की अगर हम बात कर ले तो वो भी आपको बिल्कुल ही iOS वाले लगते हैं, एंड आइकन्स इसमें एनिमेटेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का, कैलेंडर हो गया, वेदर हो गया, तो कई चीज़ें आपको इसमें एनिमेटेड देखने को मिल जाती है और एप्पल से पूरी तरह इंस्पायर्ड है। उसके बाद हम बात कर ले स्टेटस बार के बारे में, तो वो भाई बहुत ही कमाल का है, जैसे कि बिल्कुल अगर खाली फिनिश स्वाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस बार जो है वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन के जो लिए मतलब जो टूगल्स होते हैं वो आ जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों बात कर ले सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है जिसके अंदर यहाँ पे चेंज किया गया है एंड इसको एप्पल जैसा बनाने की कोशिश करी गई है और काफ़ी अच्छा लगता है, एंड ऑल्सो सेटिंग्स आइकन इज ऑल्सो एनिमेटेड। अब बात कर लेते हैं इसके डायलर मेन्यू के बारे में, तो वो कुछ इस टाइप का है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं प्योर iOS, नीचे सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इधर स्वाइप करेंगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, आप नीचे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, ओके। तो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, एंड एनिमेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है डायलर के अंदर, जो कि ऑल ओवर एक डिफरेंट स्टाइल की है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन के बारे में, तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपके सामने स्मार्ट असिस्टेंट हो गया आपका। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके सामने हो गया ये कंट्रोल सेंटर, तो ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है, एंड ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, उसमें ऑप्शन भी आता है कि स्वाइप अप टू अनलॉक वाला, तो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई ये हो गया आज का हमारा फर्स्ट थीम, एंड दोस्तों इसमें आपको एप्पल की बूट एनिमेशन भी देखने को मिलती है, क्योंकि भाई ये जो बूट एनिमेशन है अभी ये आगे की दो थीम्स और हैं जिसमें आपको ये बूट एनिमेशन देखने को मिलेगी, तो मैं किसी एक थीम में आपको अंदर ये दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड थीम के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर हम चल जाते हैं थीम्स के ऊपर, एंड जो सेकंड थीम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों वो, और हाँ इसमें जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपको लाइट मोड एंड डार्क मोड का सपोर्ट है, तो यहाँ से हम डार्क मोड ऑन करके देखते हैं एक बार, तो या डार्क मोड ऑन हो गया और स्टेटस बार फिर भी वैसा का वैसा ही है, एंड यहाँ पे एवरीथिंग चेंज हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ जो है यहाँ पे डार्क में आ गया है और काफ़ी कूल आपके लुक को मतलब फ़ोन के लुक को चेंज कर देगा, और सारी चीज़ आपको इसमें फुली ब्लैक देखने को मिल जाती है और स्टेटस बार भी काफ़ी अच्छा लगता है डार्क मोड के अंदर, तो ये आपको डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों सपोर्ट करती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों जो सेकंड थीम है वो प्योरली एक ब्लैक थीम है, जो कि आपको iOS की डार्क थीम आपसे कह सकते हैं, इसे अप्लाई करते हैं देख लेते हैं आपको इसमें क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से ये हो गई अप्लाई, एंड इसमें आपको नेविगेशन बटन पर चेंज देखने को नहीं मिलता, तो एक इसका एक डाउन साइड आप कह सकते हैं, बाकी यहाँ पे आपको डॉक बना दिखता है एंड यहाँ पे आइकन्स हो गए सारे आपको iOS वाले देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो ग्रेडिंग अलाइनमेंट है आइकन्स की वो पिछली वाली थीम से थोड़ी बेटर है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। विजेट में आपको हमें चेंज करा गया है, एंड सेटिंग मेन्यू की अगर हम बात कर ले तो वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का देखने को मिल जाता है, हम इसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है ये एप्पल के फ़ोन से, मतलब जो ग्रेडिंग अलाइनमेंट में चेंजेस करे गए हैं वो थोड़ा एप्पल से ज़्यादा मिलता है और काफ़ी आपके फ़ोन को अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है, एंड ऑल्सो इट्स एनिमेटेड,
डायरे मैंने की अगर हम बात कर ले तो वो आपको आयस वाला नहीं मिलता देखने को, बट फिर भी ठीक ठाक ही है, बुरा नहीं कह सकते। उसके बाद दोस्तों स्टेटस बार की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे साफ साफ आयोस लिखा हुआ है एंड आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। तो मेनली इसमें जो है आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन जो है वो देखने को मिलती है आयोस वाली, बाकी चीज़ें इतनी नहीं कह सकते हम आयोस वाली है। बाकी अगर अगर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर स्मार्ट असिस्टेंट आ जाएगा जैसे कि हर बार होता है, एंड यहाँ नीचे स्वाइप करने से आपके सामने एक कंट्रोल सेंटर आ जाएगा जो बिना एनिमेशन के है, बहुत पता नहीं क्यों। और यहाँ पे जो ताला है वो आपके रियल फेस से ही खुलता है, मतलब फेक नहीं है, ये रियल है। ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की सेकंड iOS फेस थीम। अब जो थर्ड एंड द फोर्थ थीम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि iOS बेस्ड हैं, एंड इनमें से मैं एक में ही आपको बोर्ड एनिमेशन दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी ऐसे ही मतलब अगर उन्हें चाहिए तो iOS थीम्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन को iOS जैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड थीम के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों MIUI 13.2। एंड ये जो थीम है ये एकदम फीचर पैक्ड थीम है, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो अभी तक आपको इन दोनों थीम्स में देखने को नहीं मिले थे। तो इसे अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं आपको उसमें क्या देखने को मिल जाता है। तो ये अप्लाई हो गई है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है नॉच आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप टॉप पे देख सकते हैं, बट आप इसे बंद कर सकते हैं यहाँ से एंड इसे क्रॉस कर दीजिए। एंड उसके अलावा जो आप बार देख सकते हैं बिल्कुल डाउन नीचे की तरफ है, बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ करी कि उन्होंने iOS की तरह जैसे बार बिल्कुल नीचे होता है ना वही सिस्टम कर दिया, और नेविगेशन बटन का जो एरिया होता है उसको छोटा कर दिया। तो अगर आपको नेविगेशन बटन यूज़ करने है ना तो आपको बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, तब आपके नेविगेशन बटन काम करेंगे, बट लुक बहुत अच्छा आएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आइकन्स हैं, तो आइकन्स भी आपको प्योर iOS वाले देखने को मिल जाते हैं, और फोल्डर में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। ग्रिडिंग अलाइनमेंट जो करी गई है वो बिल्कुल ही iOS वाली करी गई है, और अगर इसे हम 4x4 की ग्रिड पे कर दें मतलब 4x6 की, तो ये और भी अच्छा लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अब प्योर ही iOS ही लग रहा है। तो ये भी काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग सी देखने को मिल जाती है। विजेट में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया गया है जो भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें स्टेटस बार के बारे में, तो वो भी थोड़ा बहुत चेंज है, यहाँ पे थोड़ा विंडोज टाइप का स्टेटस बार दिया है, पता नहीं भाई iOS में विंडोज़ घुसा दी है, चलो कोई नहीं, अच्छा ही लगता है, इतना बुरा भी नहीं लगता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आया था ना वो आई थिंक डबल टैप से आता है, पता नहीं कैसे आता है, वो ऑप्शन में आपको बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं जब स्टार्टिंग में आए, तो बस सारे चेक कर लेना। फोल्डर में यहाँ पे चेंज है, और उसके बाद दोस्तों बात कर ले मैसेजिंग भी चेंज है, एंड डायलॉग मेन्यू भी आपको चेंज देखने को मिलता है, और ये वाला डायलॉग मेन्यू पिछले वाले डायलॉग मेन्यू से थोड़ा बेटर है। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो हैं ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, ये भी आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करा देता है। एंड ऑल्सो आइकन्स इज एनिमेटेड। सेटिंग मेन्यू अगर हम बात कर ले तो वो प्योरली iOS वाला है, मतलब ये थीम जो है ये आपको रियल iOS की फीलिंग देने वाली है, तो ये मेरे को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये आपको सेटिंग मेन्यू कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। एंड अब बात कर लें इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, जो इसका तार है वो भी रियल है, जैसे मेरे फेस देखा इसने खुल गया, तो ये अच्छी बात है। इधर स्वाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे स्मार्ट असिस्टेंट आ जाएगा जो काफ़ी अच्छा आपके फ़ोन को लुक प्रोवाइड कराएगा। नीचे से यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ही क्विक जो क्विक टॉगल्स होते हैं या फिर कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऊपर स्वाइप से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, यहाँ से टॉर्च चालू होगी, तो ये हो गया। और इसमें वो वाला ऑप्शन भी आता है जो बटन्स वाला होता है, बट वो फिर हट जाएगा क्योंकि भाई उसमें बगी है, वो 4 लेटर ही सपोर्ट करता है, इसलिए वो हट जाएगा, तो ये आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है उसमें, बट बाकी सब यहाँ पे ठीक है। स्टेटस बार के आइकन भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल iOS वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों इसके रिसेंट मेन्यू में भी आपको चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यही जो ऐप के वो हैं मतलब जो ऐप का प्रीव्यू बना हुआ है उसको यहाँ पे पूरी तरह राउंड करके दोनों को जोड़ दिया गया है। एंड जो क्लियरिंग वाला बार है ये भी एक थोड़ा सा बार टाइप बना दिया गया है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा आपको फोन को लुक को प्रोवाइड करा देता है। और यहाँ पे क्रोम का नाम बदल के सफारी कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, मैं पता नहीं भाई, चलो कोई नहीं। एंड चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल थीम के बारे में, तो यहाँ पे हम चल जाते हैं थीम स्टोर के ऊपर। हाँ, तो जो थीम स्टोर है उसका नाम है सहम, तो आपको देखना पड़ेगा माई पेज थीम्स। एंड जो आपको देखने को मिल जाती है लास्ट एंड फाइनल थीम, उसका नाम है दोस्तों iOS 13 Dual Pro। एंड इसका स्टेटस बार मेरे को काफ़ी पसंद आया, जितनी भी थीम दिखाई है सबसे ज़्यादा बेटर मेरे को इसी का लगा, तो इसे अप्लाई कर लेते हैं एंड यू अप्लाई। एंड यहाँ पे आपका नेविगेशन बटन में भी एप्पल का लोगो देखने को मिलता है, और साथ में 2 डॉट देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको कोई बार देखने को नहीं मिलता है। विडजेट इसका काफ़ी अमेजिंग है, एंड यहाँ पे आइकन आपको प्योर जो है वो iOS वाले देखने को मिल जाते हैं,
जो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों डायरी मेन्यू की अगर हम बात कर ले तो वो भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर फिर आपको क्लीन साफ सुथरा लगेगा एंड आइकन्स इज ऑल्सो एनिमेटेड। अब बात कर ले इसके स्टेटस बार के बारे में, जो इसका की हाईलाइट है तो भाई वो इस टाइप का है और बहुत ही आपके कूल फोन लगता है। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ऊपर का सारा पार्ट गायब कर दिया और नीचे करेंगे तो भाई मतलब बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा सा आपको देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात कर ले सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो वो भी आपको इसमें प्योर साफ सुथरा सा देखने को मिल जाता है iOS वाला, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड लॉक स्क्रीन की अगर हम बात कर ले तो वो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, जो भी हमारे मेरे फेस से खुलती है वैसे ही लॉक होगी। मेरे को देख के खुल गई है और बहुत फास्ट है। नीचे स्वाइप करेंगे तो आपके सामने स्मार्ट असिस्टेंट आ जाएगा या फिर आप कह सकते हैं जो भी कहते हैं एप्पल वाले में। और यहाँ पे आपके सामने ये क्विक टॉगल स्मार्ट असिस्टेंट आ गया। ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। एंड इस थीम के अंदर एंड पहले की दो थीम्स के अंदर आपको बूट देखने को मिलता है, तो मैं आपको इनमें से एक में बूट दिखाने वाला था, मैं आपको इसमें बूट दिखा देता हूँ। तो ये हो रहा है रीबूट एंड अभी ये रीबूट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके सामने जो है एप्पल का लोगो बनाएगा एंड वो स्पार्क करेगा और बहुत अमेजिंग सी बूट एनिमेशन आ जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक प्लीज़ कर दो। ये देख सकते हैं आप बूट एनिमेशन तो काफ़ी अमेजिंग लगता है। एंड दोस्तों मेरा ना भाई बिल्कुल मतलब डीमोटिवेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि भाई ना व्यूज़ आ रहे हैं ना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मतलब बिल्कुल चार्ट जो होता है ना यूट्यूब का वो नीचे ही गिर गया। तो यार प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बोलो भाई थोड़ा हेल्प करें, तो तभी तो भाई मोटिवेशन मिलेगी, तभी तो मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना पाऊंगा। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो देख लिया आपने बूट एनिमेशन, चलो ठीक है। तो बस दोस्तों आज के इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे जाके वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस ना कर जाएं। एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हेल्प कर सके मेरी। भाई चार्ट नीचे गिर गए तो भाई थोड़ा उठाओ यार चार्ट को, थोड़ा वायरल करो वीडियो का, मजा आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।